वेलकम टू द बिजनेस। मैं हूं सुरेंद्र। सबसे पहले बात करते हैं आज के इंग्लिश लेक्चर के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसेस के। प्रेसेस कैसे बनते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रेसेस जो है ये 10+2 से लेकर आपके बीए फाइनल तक ये सिलेबस में चाहिए, और बीए फाइनल तक इसको आप वो करना पड़ सकता है अगर आप आर्ट्स में हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस बात को समझना चाहिए कि प्रेसी है क्या। मैं आपको बताता हूँ कि प्रेसी जो है दो शब्दों से बनी है, प्री प्लस सेस, यानी कि प्रीसेस, यानी कि किसी चीज को संक्षिप्त करना, किसी चीज को सुप्रेस करना। जब हम किसी चीज को सुप्रेस करते हैं तो उसका साइज जो है, अगर वो रबर से बनी है या किसी और चीज से बनी है, अगर आप किसी भी कॉटन से चीज बनी को जब सुप्रेस करते हैं तो वो उसका साइज तो छोटा होता ही है, उसका साइज जो है वो शॉर्ट हो जाता है, परंतु वो ही चीज है। द सेम थिंग दैट द राइटर और द ग्रामर इज गोइंग टू इंस्ट्रक्ट अस कि आप भी जब प्रेसी बनाते हैं तो प्रेसी बनाते समय आपका जो आंसर है वो सुप्रेस करने के बाद, साइज छोटा होने के बाद उसका मीनिंग, आपके प्रेसी करने का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आपको ग्रामर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलना होगा। ग्रामर कहती है कि जब आप प्रेसी करें तो सबसे पहले उसको दो या तीन बार, यानी कि 2 or 3 times एक स्टूडेंट को उस प्रेसी को करने से पहले उसको गो थ्रू होना चाहिए। अगर आपने 2-3 बार उसको पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई है कि इस टॉपिक में ये बताया गया है, और जब आपको ये पता, ये आपको पूरी नॉलेज मिलती है कि इसमें ये बताया गया है इस टॉपिक पर, जो ग्रामर है इस टॉपिक पर आपको स्ट्रेस ऑन करना चाहती है, आपको बताना चाहती है किसी इस टॉपिक पर बात कर रही है, तो उसी टॉपिक के साथ कंसर्न उसका हेडर जो है वो निकालना चाहिए। और जब हेडर निकल गया, जब हेडर आपने निकाल दिया, तब हेडर के बाद आप अपने आंसर जो है वो करना शुरू करते हैं, और आंसर करने से पहले आपको अपना हेडर जो है वो सोल्यूशन लिखना, आप सोल्यूशन लिखना कि जब आप उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी अगर आपकी प्रेसी में 100 words है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेलिंग यू नॉट टू डू दैट, क्योंकि आपके पास अगर 100 words की एक प्रेसी जाता है और उसको कहा जाता है कि आप ये प्रेसी करो, तो आप उस प्रेसी को 100 words की प्रेसी को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, यानी कि अगर उसके 33 शब्द बनते हैं, 33 बनते हैं, तो दूसरे जो 66 word है, दूसरे जो 33 है उसको छोड़ दीजिए, और एक 33 का हिस्सा जो है वो आप आंसर होगा। और एक बात और, 33 से लेकर 35 तक आपके आंसर्स में वर्ड आ सकते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग 100 वर्ड में चल रहा है वही मीनिंग आपका 33 वर्ड में 35 वर्ड में आना चाहिए। और वो जो प्रेसी है वो अपने मेन थीम से भटकनी नहीं चाहिए, और उसका जो हेडर है, हेडर में जो दिया गया, इफ यू हैव सेलेक्टेड, इफ यू हैव चूज, इफ यू हैव गॉट वेल ऑफ योर हेडिंग, यदि आपने अपना हेडिंग अच्छा निकाल लिया है तो आपके आंसर भी सही होंगे, अगर आपने हेडिंग अपना गलत निकाल लिया है तो आपके आंसर भी गलत हो सकते हैं। सो तो एक बार और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश के लेक्चर जो सुनते हैं रोजाना सीरीज पर, तो आप कम से कम इस लेक्चर को सुनने के बाद चीज़ों को बार बार भी देख सकते हैं। क्लास में हम एक बार मिलते हैं तो उसके बाद बच्चे जो है वो भूल जाते हैं कि सर ने क्या कहा था, ये क्या था। तो अगर आपने रोजाना सीरीज को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप हमारे पाठक हैं, हमारे जो हैं सब्सक्राइबर हैं, तो आप इस लेक्चर को बार बार सुन सकते हैं कि क्या बात की, कैसी क्या होता है, या और कौन सी खबर, मैं टेंसेस के बारे में भी बता चुका हूँ, आर्टिकल्स के बारे में भी बता चुका हूँ, अपने लेक्चर्स में डिटर्मिनर्स के बारे में, लॉज के बारे में। तो आप लगातार इस रोजाना सीरीज को देखिए, सब्सक्राइब करिए, अपने साथ वाले स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जरूर कहिए कि वो रोजाना सीरीज को सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, और इन लेक्चर्स का। Thank you.